नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये देखेंगे कि होम थिएटर का डिज़ाइन। ये होम थिएटर एक घर के अंदर के लिए बनाया गया है और यहाँ पे जस्ट कैबिनेट है और पूरा होम थिएटर है। होम थिएटर का साइज़ है 14 फीट बाई 16 फीट का होम थिएटर है और यहाँ पे बेस बनाया गया है नीचे की साइड में चेयर वगैरह रखने के लिए, प्लाईवुड में बनाया गया। और यहाँ पे है पूरा स्लाइडिंग वाला शटर दिए गए हैं और पैनल भी बनाया गया, पूरा पैनल है, साउंड प्रूफ बनाया गया है। और ऊपर की साइड में फुल सीलिंग है, वुडन वाला यानी प्लाईवुड में दिया गया है। और पीछे की साइड में भी पूरा लाइट दिया गया है, लाइट के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है, जो सीलिंग था पैनलिंग। और ऊपर की साइड में यहाँ पे स्क्रीन के लिए जगह छोड़ा गया है, आप देख रहे हो दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर से 4 इंची ऊपर रखा गया। और नीचे की साइड में, नीचे की साइड में लाइट के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट छोड़ा गया है, ताकि नीचे की साइड में नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे भी जगह दिया गया है लाइट के हिसाब से। पैनल है, पैनल को 2 इंच के हिसाब से बाहर रखा गया है। और यहाँ पर है पूरा टिकूड में यहाँ पे पट्टी करके स्टोरेज बनाया गया है। और ऊपर की साइड में एसी के लिए यहाँ पे डक्ट वाला एसी रखा गया है, जो पूरा वॉल टू वॉल रखा गया है। और जस्ट लेफ्ट साइड में स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पे कंसोल बनाया गया है, पूरा जो सेटअप है वायरिंग वगैरह का। और 3 स्पीकर के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और ऊपर की साइड में इसी प्रकार से पूरा फॉल सीलिंग बनाया गया है दोस्तों। यदि आपको बनाना रहता है टिकूड में तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा होम थिएटर बनाया गया घर के लिए। और यहाँ पे टिक वाली जो पट्टियाँ ली गई है वो 1/2 की पट्टी है। और यहाँ पे भी स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो जस्ट लेफ्ट साइड में। और सीलिंग है, सीलिंग में यहाँ पे शटर बनाए गए हैं सेंटर में। यदि वायरिंग वगैरह का यदि वर्क रहता है, यदि फ्यूचर में यदि काम करना रहता है तो आप फोल्डिंग वाले शटर बना सकते हो। और यहाँ पे भी 2 शटर के साथ में फिनिशिंग दिया गया है, पट्टी है, ऊपर की साइड में पट्टी घुमाया गया है। यदि इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप फ्रेम है, फ्रेम बना ले पहले और फ्रेम को कट करके फिर ऊपर की साइड में पट्टियाँ घुमा सकते हो। और यहाँ पे भी इसी प्रकार से बनाया गया, यहाँ पे सॉलिड वाला पट्टी दे के यहाँ पर घुमाया गया है, आप देख रहे हो। इसका हाइट 30 इंच के हिसाब से रखा गया है और यहाँ पर प्लाईवुड में तैयार किया गया है। और यहाँ पे स्टोरेज है, आप देख रहे हो, ये भी होम थिएटर के अंदर ही स्पेस दिया गया है। ऊपर की साइड में यहाँ पे लाइटिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो होम थिएटर है, होम थिएटर का मैं फाइनल का वीडियो अथवा इमेज है जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। और ये सिंपल सा स्टोरेज है, 1 फुट का स्टोरेज है। ये पूरा हिडन टाइप में बनाया गया है, यदि होम थिएटर फिनिश हो जाने के बाद में कुछ भी नज़र नहीं आता है। और यहाँ पे विंडो था, विंडो को भी कवर कर दिया गया है। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।